औसत हमें क्या बताती है? हमने देखा कि औसत से हमें एक आधार मिल जाता है जो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु क्या अंकगणितीय औसत आंकड़ों को पूरा प्रदर्शित नहीं कर पाती? नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला, इस साल फरवरी माह में दिन का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा, पिछले 5 वर्षों में पेट्रोल के प्रति लीटर दाम का औसत 65.70 रुपये रहा। तीसरा, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु लगभग 15 वर्ष है। आपने अक्सर ऐसे कथनों को पढ़ा होगा और सुना भी होगा। एक महीने अथवा दिन का औसत तापमान, पेट्रोल का औसत दाम आदि के मान से हम कुछ बातें समझ सकते हैं और कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किंतु कई बातें औसत से पता नहीं चलती। जैसे कथन एक में, पूरे महीने तापमान कभी 23 डिग्री सेल्सियस से अधिक और तो कभी उससे कम रहा होगा। औसत हमें यह नहीं बताता कि तापमान कितना कितना था, अधिक से अधिक कितना व कम से कम कितना, क्या तापमान में बहुत उतार चढ़ाव हुआ या लगभग एक जैसा ही था। कथन दो में भी पेट्रोल के दाम समय समय पर बदलते रहे होंगे, प्रत्येक वर्ष औसत दाम 65.70 रुपये नहीं रहा होगा। इससे हम यह नहीं बता सकते कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, फिर भी औसत से हम यह अंदाजा लगा पा सकते हैं कि पेट्रोल का दाम प्रति लीटर 64 रुपये से 66 रुपये के इर्द गिर्द ही रहा होगा। अगर हमें यह पता हो कि अक्सर पेट्रोल के दामों में अचानक उतार चढ़ाव नहीं होता है। कथन तीन में, कुछ विद्यार्थियों की आयु 15 से कम होगी तथा कुछ की अधिक होगी, इससे हमें और अधिक जानकारी नहीं मिलती। आइए औसत का एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण पाँच, नीचे तालिका में 7 कर्मचारियों के वेतन के आंकड़े दिए गए हैं। 1400, 1500, 8400, 8700, 9000, 9200, 9400, इन आंकड़ों का औसत निकालकर देखिए। हम जानते हैं कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण जो है प्रेक्षणों का योग, तो पहला 1400 धन 1500 धन 8400 धन 8700 धन 9000 धन 9200 धन 9400 बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग दे देंगे। अब अंश में जो प्रेक्षणों का योग है, इसका योग आ रहा है 47600 बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या 7। जब हम इसको भाग देंगे तो 47600 बटा 7 करेंगे तो हमें 6800 रुपये औसत रुपये औसत प्राप्त होता है। आंकड़ों का औसत वेतन छः हजार आठ सौ रुपये रुपये है। तो आंकड़ों का औसत वेतन 6800 रुपये है, पर क्या औसत इस आंकड़ों के केंद्र को सही रूप से प्रस्तुत कर पा रहा है? कोई भी आंकड़ा औसत के करीब नहीं है। इस औसत से हम यह तो पता कर सकते हैं कि हर महीने कुल कितना खर्च वेतन पर होता है, किंतु यह नहीं कि एक कर्मचारी को लगभग कितना वेतन मिलता है।
आप देख सकते हैं कि इन आंकड़ों का गणितीय औसत हमें आंकड़ों के वितरण को समझने में मदद नहीं कर पा रहा है।